नमस्कार, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था और उसके बाद उसके आधार पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का जो लेआउट होता है उसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था, और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, उसका लेआउट कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर से आपको मैं दोहरा दूं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और ट्रांजैक्शन की एंट्री हम जनरल में कैसे करते हैं, यानी जनरल में कौन सा अकाउंट किस नियम से डेबिट और क्रेडिट होता है वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जनरल में एंट्री करने के बाद हम जनरल से लेजर के अंदर कैसे पोस्टिंग करते हैं उसका हमने सीखा। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम लेजर का कैसे उसको क्लोज करते हैं, उसके खाते का बैलेंस कैसे हम निकालते हैं ये हमने सीखा। लेजर के माध्यम से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको, और कल हमने जो चर्चा किया था मेनली हमारा जो फोकस था कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो तीनों अकाउंट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। ये तीनों को हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। जब व्यवसायी अपना व्यवसाय का स्थिति जानना चाहता है तो प्रत्येक वर्ष या हाफ ईयर में या क्वार्टरली अपने खातों का यानी लेजर को क्लोज करता है और उसके आधार पर वो फाइनल अकाउंट बनाता है। अमूमन ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो वर्ष के अंत में बनते हैं, यानी 31 मार्च को बनते हैं। जैसे अभी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बीता हुआ है 31 मार्च 2020, तो उसमें मान लीजिए सभी व्यवसायियों ने अपना फाइनल अकाउंट तैयार किया होगा। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने उनको एक्सटेंड करके 30 जून तक समय दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा फाइनल अकाउंट बनाने में अब 30 जून तक लोग बना सकते हैं। लेकिन अमूमन ये 31 मार्च 2020 जब फाइनल अकाउंट की बनते हैं, यानी हर 31 मार्च को बनते हैं, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2020 को मान के चलते हैं कि एक व्यवसायी का जो फाइनल अकाउंट है उसको हमने बनाना है। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम व्यापार में लाभ हानि के बारे में पता कर सकें कि हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट उस समय बनाते हैं जब हम किसी वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सबको बनाना अनिवार्य है। तो अगर कोई व्यवसायी खरीद बिक्री करता है, गुड्स सेल्स परचेस करता है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लेकिन कोई अगर व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन अगर कोई सर्विस का काम करता है तो वो केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएगा। यानी आप गुड्स की डीलिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अगर केवल आप सर्विस में बिलोंग करते हैं, कोई सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कोई सर्विस अपने ग्राहकों को देते हैं, तो उस समय आपके पास गुड्स का कोई सेल्स परचेज नहीं होता है बल्कि सर्विस का सेल्स और परचेज होता है, तो उस समय आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने। लेकिन जो गुड्स का ये व्यवसाय करते हैं वो उनको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं कि जो हमने माल परचेज किए हैं, जो हमारे पास स्टॉक है और जो हमने सेल्स किया है, उसके आधार पर हमने कितने लाभ कमाए हैं, और उस लाभ को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट पक्ष होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट पक्ष होता है। अगर क्रेडिट पक्ष जितना अधिक आता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट मानते हैं, और जितना अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आता है आपके क्रेडिट साइड से तो हम उसे ग्रॉस लॉस मानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या क्या दिखाते हैं? कोई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, यानी 1 अप्रैल को जो माल हमारे पास बचा हुआ है, टोटल जो सेल्स है परचेज रिटर्न घटा के, और जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेकर हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं? जो हमारा टोटल सेल्स होता है उसमें से सेल्स रिटर्न घटा के, और जो हमारा क्लोजिंग होता है, ये हम
दिखाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और उससे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो जब हम इसी में ट्रेडिंग अकाउंट जहां बनाते हैं जस्ट उसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां पे जब ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में क्या क्या दिखाते हैं, जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी हम समायोजन एडजस्टमेंट किए हैं, जैसे इंटरेस्ट पर कैपिटल पर हमने ब्याज लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है कैपिटल पर, या हरास काटा है, या देनदारों के लिए प्रोविजन किया है, ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखाते हैं, अगर हमें कोई इनडायरेक्ट इनकम हुआ है या कोई इनकम मिलने से रह गया है, अक्रूड हुआ है, तो वो सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब ये दोनों जोड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग, अगर क्रेडिट साइड का जोड़ डेबिट से ज्यादा आता है तो जो अंतर आता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, अगर डेबिट साइड का जोड़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से ज्यादा आता है तो हम उसे नेट लॉस बोलते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम व्यवसाय के लाभ को जानते हैं, जबकि बैलेंस शीट बनाते हैं इसलिए ताकि हम व्यवसाय की स्थिति को पता कर सकें। बैलेंस शीट के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक लायबिलिटी का पक्ष होता है, एक एसेट का पक्ष होता है। लायबिलिटी में हम क्या क्या दिखाते हैं, जो पूंजी होती है वह दिखाते हैं, और जो हम दूसरों से जो हमने उधार लिया है या हम किसी से उधार खरीदे हैं वह लायबिलिटी पक्ष में दिखाते हैं। जबकि संपत्ति पक्ष में जो हमारे फिक्स एसेट हैं और जो हमारे करेंट एसेट हैं और इसके अलावा जो प्रीपेड है या एक्रूड है उनको भी हम दिखाते हैं। तो मैंने कल आपको जैसे बताया था कि हम एक जो आज का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज का जो हम अभ्यास करने वाले हैं, मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 का मान के चलते हैं, और इसी के आधार पर हमारा फाइनल अकाउंट तैयार होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है, जब हम लेजर बना के क्लोज करके जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और उसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हम एक हमारे पास ट्रायल बैलेंस है और इसके आधार पर हम फाइनल अकाउंट कैसे बनता है और कैसे कैसे हम इसके अंदर जो अकाउंट्स के बैलेंस है उनको कैसे छांट कर हम ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ दिखाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और कुछ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और साथ साथ में कुछ समायोजन के भी ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि समायोजन का भी ध्यान में रखते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित होता है या ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित होता है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, जो वही समायोजन होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखे गए होते हैं, वो वर्ष के अंदर ही होते हैं, उन्हीं को हम ध्यान में रख के हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वे अकाउंट के बैलेंस हैं जो जिनका बैलेंस लेजर के अंदर डेबिट में आया था, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, बिल्डिंग है, डेटर है यानी देनदार है, यहाँ पे टोटल जिनको हमने माल बेचा है उनको टोटल जोड़ के हमने डेटर यानी डेटर का कैटेगरी बना के लिखा है, ड्रॉइंग है यानी आहरण है, परचेज एक क्रय है, इंश्योरेंस कराया गया है वह एक्सपेंसेज है, ट्रेड व्यापार एक्सपेंसेज है, एसआर का मतलब सेल्स रिटर्न है, मतलब हमको जो ग्राहकों ने जो माल रिटर्न किया है वो डेबिट ही आता है, सैलरी है, फ्रेट है, बैड डेट्स है, बिल रिसीवेबल है, हम देनदारों को हम एक बिल देते हैं अपने बकाया को चुकता करने के लिए कि ताकि हमको बिल के हिसाब से हमको पेमेंट करें, वह है और कैश है। वही क्रेडिट साइड में लोन लेते हैं, लोन लिया है 4400 का, वो उसका बैलेंस है, क्रेडिटर का है, सेल्स टोटल है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो आप देख सकते हैं। डिस्काउंट यहाँ पर इनकम है क्योंकि क्रेडिट में दिखाया गया है तो इसका बैलेंस लेजर में क्रेडिट में लिखा होगा। पीआर मतलब परचेज रिटर्न, यानी हम जिससे माल खरीदे हैं उनको हमने रिटर्न किया है 800 का। कमीशन है, यहाँ पे कमीशन अगर यही डेबिट साइड में रहता तो इसे खर्च मानते, अगर क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब हमको इनकम हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैंने बताया था इसके बारे में कि जो पिछला जो हमारा प्रोविजन हुआ होगा, मान के चलिए 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक वो प्रोविजन हुआ होगा 400, तो इसको ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे जो अब यहाँ पे दिखाया गया। बिल पेएबल, जैसे हम देनदारों के लिए हम बिल जनरेट करते हैं ताकि हमारा भुगतान करते हैं,
वैसे ही हमारे जो लेनदार होते हैं वो हमारे हमको बिल देते हैं कि इतना का भुगतान कीजिए, जैसे बिल पेबल कहा जाता है। उसके बाद जो पूंजी है ये है। इसके बाद जो इसमें समायोजन है वो ध्यान में रखना है कि 31 मार्च को अंतिम यानी क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का था, पूंजी पर 5% ब्याज चार्ज करने हैं। पूंजी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस समय हम उस पर हम एक्स्ट्रा ब्याज चार्ज करते हैं ताकि हमारा पूंजी इंक्रीज हो, तो ये चार्ज करना है। वेतन पर 800 रुपए अलग था यानी आउटस्टैंडिंग था, यानी जो हम सैलरी दिए हैं 8200 उसके बाद भी कुछ वेतन हमने भुगतान नहीं किया था जो आउटस्टैंडिंग है, इसको भी हम साथ में दिखाएंगे। बीमा 150 रुपए पूर्वदत्त था यानी प्रीपेड था, यानी हम बीमा का जो हमने दिया है इंश्योरेंस का वो 1500 दिया है, इसमें 150 एडवांस है जो देना नहीं था लेकिन हमने एडवांस में दे दिया था। इसके अलावा मकान पर 2%, मशीन पर 10% का ह्रास लगाना है यानी डेप्रिसिएशन काटना है, जो हर वर्ष संपत्ति में क्षय होता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इसमें मशीन पर हमको 10% चार्ज करना है और बिल्डिंग पर 2% का चार्ज करना है। इसी तरह से कमीशन 200 रुपए मिलने शेष है, मतलब ये जो कमीशन आप देख रहे हैं 750 रुपए का, इसके बाद भी हमको कमाया है लेकिन मिला नहीं है तो एक्रूड इनकम होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो एक साथ बनता है और बैलेंस से अलग बनता है। तो हम इसको देख लेते हैं, पहले जो बना हुआ है आप देख सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है। तो बना है ये एक पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट का जो कॉलम है जिसमें अकाउंट और उनके अमाउंट है, और एक है पार्टिकुलर और क्रेडिट अमाउंट जिसमें हम क्रेडिट का अकाउंट और उसका अमाउंट लिखते हैं, यानी ये साइड हमारा डेबिट साइड है क्रेडिट अकाउंट का और ये साइड हमारा क्रेडिट अकाउंट का क्रेडिट साइड है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक यानी ट्रायल बैलेंस से ढूंढते हैं कि कोई ओपनिंग स्टॉक कहां है, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं 16,000 का है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के देखिए डेबिट साइड में लिखा गया है टू ओपनिंग स्टॉक, टू से हम डेबिट साइड में लिखते हैं, 22 से हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। टू के बाद खाता का नाम, ओपनिंग स्टॉक कितना 16,000 है, तो 16,000 इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया गया है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज का भी टोटल दिखाते हैं, तो परचेज का बैलेंस कभी भी डेबिट आता है आपको पहले बता रखा है, तो देख सकते हैं कि परचेज में ढूंढिए कहां पे है, तो यहां पे देखिए परचेज 90,000 का है, टू परचेज अंदर भी लिखा गया 90,000 क्योंकि परचेज रिटर्न भी है और परचेज रिटर्न का जो खाता होता है वो क्रेडिट में आता है इसलिए वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होगा, देखिए 800 का है, तो टोटल परचेज में से जो कुल हमने क्रय वापसी किया है 800 रुपए उसको हम घटा के दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो 89,200 रुपए ये लिखेंगे हम इसमें। इसके अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखा जाता है, तो एक ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस जो उसका बैलेंस डेबिट में आता है, तो देख सकते हैं फ्रेट मतलब भाड़ा, ये परचेज पर ही दिया गया होगा, और लिखते वक्त ध्यान में रखते हैं फ्रेट या इनकम का कोई भी अमाउंट हम प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते वक्त ध्यान रखते हैं कि कोई उसका एडजस्टमेंट तो नहीं है, मतलब उसका आउटस्टैंडिंग तो नहीं है या तो प्रीपेड तो नहीं है, तो इस समायोजन में कहीं भी फ्रेट के बारे में नहीं दिया गया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फ्रेट है उसको लिख देंगे, टू फ्रेट, ये 1250 रुपए का ट्रायल बैलेंस है हम इसको यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम जो क्रेडिट साइड में क्या क्या दिखाते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स का कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स का जब लेजर बनाते हैं तो कभी भी उसका बैलेंस क्रेडिट में आता है, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले पक्ष में ही होगा, तो देख सकते हैं ये क्रेडिट वाला पक्ष है ट्रायल बैलेंस का, इसमें 130,000 बाय सेल्स 130,000। अब इसमें क्या घटाया गया है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स को दिखाने के बाद अगर सेल्स रिटर्न होता है तो उसको घटा के दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सेल्स रिटर्न का कभी भी लेजर में डेबिट बैलेंस आता है, तो आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है 600, तो इसको इससे घटा के दिखाया गया है 129,400। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखते हैं जो समायोजन के अंदर दिया गया है, यहां से देखिए अंतिम रहती यानी क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 को 12,000 रुपए का था, तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में जो छाट के ट्रायल बैलेंस से जाके ले जाके लिखना था, या ट्रेडिंग अकाउंट से जो क्रेडिट सॉरी
ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट साइड से या डेबिट साइड से जो छांट छांट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना था वो हमने सब लिख दिया है। अब रिचेक करने के बाद कोई ऐसा तो छूटा तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं छूटा है। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे ये डेबिट वाला और क्रेडिट वाला। तो यहां पर देख सकते हैं ये क्रेडिट साइड का जो जोड़ आया है 141,400 आया है और जो ये डेबिट साइड का आया है 106,450। तो ऐसे ही दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है। तो अब इसका जो अंतर आएगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे। अगर ये डेबिट साइड का ज्यादा रहता तो हम ग्रॉस लॉस मानते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक आया है इसलिए हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर हो रहा है 34,950, तो हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 34,950। और जब ये अंतर इसमें लिख देते हैं तो दोनों हो जाता है 141,400। इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पे बंद हो गया। अब यहां से जो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब आप देख सकते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है 34,950 उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाएंगे। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में पहले लिखते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन 34,950। अगर ग्रॉस लॉस होता तो हम इधर लिखते, फिलहाल ग्रॉस लॉस है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखे हैं। इसको लिखने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे संबंधित एडजस्टमेंट और कुछ एडजस्टमेंट जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड होते हैं या अन्य से रिलेटेड होते हैं तो उसको देख लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, क्रेडिट साइड में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, आ गया है वहां ऑलरेडी, और इनडायरेक्ट इनकम आता है। तो पहले हम डेबिट साइड वाला लिख लेते हैं। अब इसमें से छांटेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा पहले, तो ट्रायल बैलेंस के जो अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होते हैं। तो इसको छांट कर पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए इसमें तीन आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कौन कौन, यहां पर एक ट्रेड एक्सपेंसेस है, एक इंश्योरेंस है और एक सैलरी है। तो तीनों को ले जाएंगे। तो तीनों को ले जाने से पहले उस देख लेंगे कि कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो नहीं है। तो इंश्योरेंस के दशा में 150 रुपए प्रीपेड है, आप देख सकते हैं। बीमा 150 रुपए कुदरत था, यानी बीमा हमने जो टोटल 1500 रुपए का भुगतान दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है, इसमें 150 एडवांस था। तो जब भी प्रीपेड होता है उसको घटा के दिखाते हैं, वो जितना ड्यू रहता है यानी 1350 ही ड्यू है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो देखें टू इंश्योरेंस मैंने अंदर लिखा है 1500 और माइनस किया है प्रीपेड 150। अब ये जो निकल गया है 1350 उसको बाहर लिखा है मैंने। इसी तरह से दूसरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके संबंधित कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं है। तो देखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट हम अमाउंट के अंदर लिख दिए हैं 3600 रुपए। इसी तरह से एक और तीसरा जो है सैलरी है, तो यहां पर सैलरी की दशा में 800 रुपए आउटस्टैंडिंग है। यहां पर देख सकते हैं वेतन 800 रुपए अदद था, तो इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी अंदर लिखा है, डायरेक्ट अमाउंट में नहीं लिखा है। टू सैलरी 8200 प्लस जो इसका अदद 800 आउटस्टैंडिंग था, यानी 8200 देने के बाद, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, 8200 देने के बाद 800 रुपए और देने थे। तो इसका मतलब ये 31 मार्च तक कहीं गया है तो इसमें दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टोटल जोड़ के हम 9000 रुपए यहां पर बाहर दिखाएंगे। इसी तरह से जो हमारा समायोजन है उसको भी यहां पर दिखाएंगे। समायोजन कौन कौन से हैं, एक तो हरा साहब को मकान पर लगाना है 2% और मशीन पर 10%। तो यहां पर देख सकते हैं मकान 10,000 का था तो 10% निकालेंगे तो 1,000 हरास आएगा। बिल्डिंग आपका यानी मकान 24,000 का था, 2% निकालेंगे तो 480 रुपए आएगा। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है टू डिप्रिसिएशन यानी हरास ऑन मशीन 1,000 प्लस ऑन बिल्डिंग 480, दोनों को अंदर लिखा गया, जोड़कर दोनों को बाहर लिखेंगे तो 1480 रुपया बाहर लिखा गया है, हरास निकल गया। एक और चीज था इसमें, पूंजी पर 5% ब्याज लगाना था, तो पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो यहां पर देख सकते हैं पूंजी हमारे पास
32,000 रुपए है, तो 5% जब ब्याज लगाएंगे तो यहां पर 1600 रुपए ये होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 रुपए। तो इस तरह से ये समायोजन हो गए। अब बैड डेट्स देखते हैं। बैड डेट्स आप देख सकते हैं 300 का है, यानी जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो डूबे हुए हैं, जो पैसा हमको देनदारों से नहीं मिला वो 300 रुपए है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और एक देखें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400, यानी 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 तक के लिए 400 रुपए 31 मार्च 2019 के लाभ हानि खाते में प्रोविजन किया गया था। अब चूंकि नया वर्ष के लिए प्रोविजन किया जाएगा 31 मार्च 2020 को, तो पुराने का कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहीं पे इसको बंद करेंगे। तो एक तो बैड डेट्स जो नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं देनदारों को 5% का अशुद्ध ऋण के लिए संचय करना था, मतलब जो नया संचय किया जाएगा 31 मार्च 2020 में, तो उसको एक तो ये घटेगा लाभ में से, तो आपके टोटल देनदार 17,000 के हैं, तो 5% अगर संचय करेंगे तो 850 रुपया का होगा, तो 300 जो डूब गया और एक नया संचय कर रहे हैं 850 रुपया, वो 1150 रुपया टोटल होगा। इसके बाद ओल्ड प्रोविजन है जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इस प्रोविजन को यहीं पे बंद करने के लिए इसी में से घटा देंगे, मतलब टोटल उनको लाभ में से 1150 रुपए निकालना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन है ही, तो 400 से पूरा करेंगे तो बचेगा कितना 750 रुपया, वो हम अमाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 750 रुपए दिखाएंगे। अब कमीशन की तरफ आते हैं। एक कमीशन है जो हमारे आए है, लेकिन इस मर 200 रुपए अभी नहीं मिला है, मतलब कमाया है लेकिन नहीं मिला है, उपार्जिता है, तो इसको देखिए 750 में 200 जोड़ के दिखाया गया है। डिस्काउंट आप देख सकते हैं 400 रुपए का है, ये हमारे लिए आय है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट साइड में दिखाई गया है। दो इनडायरेक्ट इनकम है, इनको दिखाया गया है। अब जो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखने थे, जो एडजस्टमेंट करने थे, ये सभी करने के बाद अब फिर से जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हमने जोड़ जोड़ा था, वैसे इसका भी जोड़ निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का जोड़ है, क्रेडिट साइड का वो 36,300 आ रहा है, और जो डेबिट साइड का जोड़ है वो 17,780 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी क्रेडिट साइड का जो अंतर है, यानी जो क्रेडिट साइड का जोड़ है वो 18,520 रुपए अधिक आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड का जोड़ डेबिट साइड से जितना अधिक आता है उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो उस नेट प्रॉफिट को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में डेबिट साइड में दिखाया गया है। अभी 18,520 अगर 17,780 के साथ जुड़ जाएगा तो यही 36,300 हो जाएगा। तो दोनों खाते यहीं पे सामने लिखकर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट एकदम सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक लाइन में लिखकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी का पक्ष होता है और एक अमाउंट का पक्ष होता है। लायबिलिटी में मैंने अभी बताया आपको कि पूंजी दिखाते हैं और जो भी दायित्व हमारे होते हैं, जैसे जिससे हम उधार माल खरीदे हैं, या कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग जो अभी तक नहीं दिया है, या किसी से लोन लिया है, चाहे कोई और दायित्व है जैसे बिल पेएबल के रूप में, ये हम सब इसमें दिखाते हैं। और एसेट के अंदर जो फिक्स एसेट है, मतलब जो अस्थायी संपत्ति है और अस्थायी संपत्ति है, उनको हम शो करते हैं। तो पहले हम लायबिलिटी पक्ष की बात करें, तो पहले हम सबसे पहले जो लायबिलिटी पक्ष में जो लिखते हैं वो पहले पूंजी लिखते हैं। तो आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस पे पूंजी है 32,000 रुपए, इसको छांट कर हम कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर, ये कहीं नहीं लिखा जाता है, सीधे लायबिलिटी पक्ष में आता है 32,000 रुपए। इसके बाद हम इसमें देख लेंगे कि कोई और समायोजन तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1600 रुपए का ब्याज चार्ज किया गया है, तो ये जुड़ेगा पूंजी में, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लाभ होता है नेट प्रॉफिट, उसको हम पूंजी में जोड़ते हैं, उससे पूंजी बढ़ता है, अगर नेट लॉस होता है तो घटाते हैं। तो यानी 32,000 में जो ब्याज चार्ज किया वो भी बढ़ेगा, और 18,520 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है वह जोड़ा जाएगा। ये सब मिलकर
52,120 रुपए होंगे। अब देख लेंगे कि कोई व्यवसाय का स्वामी ने कोई हरास तो नहीं किया है, अगर हरास का अगर खाता है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हरास का एक खाता का बैलेंस है 4,000। तो इसका मतलब व्यवसाय के स्वामी ने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 4,000 का निजी कार्यों के लिए उपयोग किया है। तो मैंने बताया था कि अगर ड्रॉइंग होता है तो पूंजी से घटता है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर घटा के। तो 52,120 रुपए का टोटल पूंजी हुआ है, उसमें से 4,000 रुपए घटा के और तब इसको अमाउंट में वाले कॉलम में लिखेंगे 48,120। इसके बाद लायबिलिटी पक्ष में और क्या लिखते हैं, दायित्व। जैसे किसी लेनदार या किसी पार्टी से जो माल आपने उधार खरीदा है वो आपके लिए क्रेडिटर है, जिसको बेचते हैं वो आपके लिए डेटर है। तो जितने भी क्रेडिटर होंगे आपके, उधार आपने माल खरीदा होगा उसका टोटल बैलेंस आप जोड़ के इसमें लिखेंगे। यहां पर क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में कहां होता है, तो क्रेडिट साइड में होता है। आप देख सकते हैं यहां पर क्रेडिटर है 11,600, तो इसको क्रेडिटर में 11,600 रुपए दिखाए गए। इसके बाद और क्या दायित्व हो सकता है, लोन का हो सकता है। तो देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कोई लोन का कोई खाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक लोन है 4,400 का, तो बैंक लोन यहाँ पर 4,400 इसको लाकर यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद कोई दायित्व और हो सकता है, बिल पेएबल हो सकता है या आउटस्टैंडिंग होता हो सकता है। तो बिल पेएबल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बिल पेएबल का खाता है 2,000 का, यानी जिससे हमने उधार माल खरीदा होगा वो एक हमारे ऊपर बिल जनरेट करता है, तो उसे हम बिल पेबल होता है जो हमको भुगतान करना होता है। तो ऐसे भी बिल पेबल हमारे पास पड़े हुए हैं 2,000 के, वो भी हम लायबिलिटी पक्ष में दिखाएंगे। इसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गया, अगर है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया उसको भी आप यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक दिया नहीं है आपके लिए, दायित्व ही माना जाएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी पक्ष में शो किया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग के रूप में हमारे पास सैलरी है 800 रुपए। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, पूरा 9,000 नहीं दिखाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग है वही दिखाएंगे। अब हम चलते हैं एसेट पक्ष के अंदर, तो जितने भी फिक्स एसेट है उनको पहले हम दिखाते हैं उनका अमाउंट, और अगर हरास है तो हरास घटा के दिखाएंगे। पहला ये जो भी फिक्स एसेट होते हैं उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर कहां रहता है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर उनका रहता है डेबिट बैलेंस आता है, किसी भी संपत्ति का डेबिट बैलेंस आता है। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग और मशीन यहां पर मौजूद है। तो पहले हम मशीन की बात करते हैं, तो मशीन का खाता हम बैलेंस शीट में ले चलेंगे, मशीन 10,000, इसमें अभी अंदर नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट अमाउंट में नहीं लिखा गया है, क्यों, क्योंकि इस पर हरास 10% लगा हुआ है, तो इसको घटा के तब अमाउंट में लिखेंगे। तो माइनस डिप्रिसिएशन 1,000 और 10,000 में से 1,000 जब घटाएंगे तो ये 9,000 होगा, और तब 9,000 अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे एसेट पक्ष में। इसके बाद बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आपका 24,000 है, 24,000 देखिए अभी अंदर दिखाया गया है क्योंकि इस पर हरास काटा गया है, जो हरास है हमारा 480 रुपए, 24,000 पर 2% निकालेंगे तो 480 रुपए होगा, और 24,000 में से 480 रुपए जब घटाएंगे तो ये 23,520 होगा। इसी तरह से जो हमारा देनदार है डेटर है 17,000, डेटर को हम एसेट पक्ष में ही दिखाते हैं क्योंकि वो करंट एसेट होता है। तो डेटर हमारा जो 17,000 का है आप देख सकते हैं वो डेबिट बैलेंस में आता है, तो आप डेटर यहां पे देख सकते हैं 17,000 है। अब इसमें से एक चीज घटाया जाता है, अगर कोई अशुद्ध ऋण के लिए संचय इस वर्ष हुआ है तो ये मान के चलते हैं कि हमने अशुद्ध ऋण का संचय किया, तो इसका मतलब है मान के चलते कि उतना हमारे पास पैसा डूब जाएगा, तो हम पहले से ही बैलेंस शीट बनाते हैं जितना का प्रोविजन करते हैं नया वाला उसको घटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने नया प्रोविजन किया है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 850 रुपए के किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5% हमको समायोजन में बोला गया था, देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए संचय करना था, तो जो ये 5% है उसको घटा के दिखाएंगे 17,000 में से, तो 16,150 रुपए बाहर लिखेंगे। इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है जिसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया है उसको भी हम बैलेंस शीट के करंट एसेट के अंदर के रूप में एसेट के पक्ष में दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया गया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक उसी को भी हम क्लोजिंग स्टॉक हम एसेट पक्ष में भी बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीपेड और एक्रूड इनकम होता है उसको भी हम दिखाते हैं। तो प्रीपेड हमारे पास है इंश्योरेंस,
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने घटाया है क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस के अंदर प्रीपेड है उतना मान के चलते हैं, कोई ड्यू नहीं है उसको घटा के निकालते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से एसेट है, वो हमारे लिए संपत्ति है, हम अभी उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 150 रुपए यहाँ पर दिखाया गया है, जहां संबंधित व्यय के साथ इसको घटाया गया है वही एसेट पक्ष में इसको दिखाते हैं। इसी तरह से एक्रूड इनकम है जो कमाया गया है लेकिन मिला नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 200 रुपए कमीशन था जो इसमें जोड़ के दिखाया गया था इनडायरेक्ट इनकम में, जबकि यहाँ पर भी अनिवार्य है एसेट पक्ष में दिखाना। और जितना का कैश होता है वह हम यहाँ पर शो करते हैं, 1400 का कैश है जो हम देख सकते हैं टाइम बैलेंस के अंदर था, और जो हमारा बिल रिसीवेबल है यानी हम देनदारों से को जब उधार माल बेचे थे तो उनके लिए हम बिल जनरेट किए थे उनको भुगतान करने हेतु ताकि हमको भुगतान करें, तो ये बिल रिसीवेबल है 4500 का, तो उसको भी हम एसेट पक्ष में दिखाते हैं। तो अगर ये एसेट पक्ष वाले सारे अकाउंट्स को समायोजन के साथ एडजस्ट करके और लायबिलिटी वाले सारे अकाउंट्स को जो ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट बैलेंस शीट में आने वाले थे उनको लिख दिया जाए और दोनों पक्ष को आप जोड़ें, लायबिलिटी का अलग जोड़ें और एसेट का अलग जोड़ें, दोनों का जोड़ बराबर आना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं लायबिलिटी का भी 66920 आ रहा है और एसेट का भी 66920 आ रहा है, तो हमें मानेंगे कि जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इस ट्रायल बैलेंस और इस समायोजन के आधार पर हम बनाए थे वो सब का सब सही है। अगर बैलेंस शीट का अंतर आता है तो इसका मतलब हम कहीं है ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन रेयर से रेयरेस्ट चांस में अगर बैलेंस शीट नहीं मिलता है तो जितना का नहीं मिलता है उतने का हम सस्पेंसिव अकाउंट बनाते हैं, तो ये चांसेस कम ही आता है। मोस्टली क्या होता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का भी जितना अमाउंट आता है उतना ही एसेट पक्ष का भी आता है, तो इस तरह से मानते हैं कि जो भी खाते हम बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्यापारी अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने के बाद ये जान सकता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जान सकता है कि मुझे शुद्ध लाभ सारा बिजनेस करने के बाद मुझे 18,520 रुपए लाभ कमाए हैं, और बैलेंस शीट देख कर ये पता लगा सकता है कि मेरे पास अभी मशीन जो है 9000 मूल्य का है, मतलब मार्केट वैल्यू उसका 9000 रुपए है, बिल्डिंग हमारे पास 23,520 का है, अभी भी कुल देनदार जिनसे हमको लेना है वो 16,150 के हैं, बिना बिका हुआ माल यानी क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपए का है, प्रीपेड। इस तरह से ये एक तरह से बैलेंस शीट क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि व्यापार का आईना होता है, किसी भी बिजनेस की स्थिति क्या है उसके बैलेंस शीट को ही देखकर पता लगता है। तो ये सब चीज हम बनाते हैं अपने वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट में जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाना दिखाया। तो इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, आशा है कि ये आप समझेंगे कि कैसे ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज के क्लास का यही उद्देश्य था कि एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाए और उसके आधार पर कैसे छांट छांट कर कौन से अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे और किस तरह से ये बनता है आपको दिखाया जाए ताकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं जिसका एक उचित समय पर मैं अपना जवाब आपको दूंगा। तो यहां पर बेसिक अकाउंटिंग का जो सफर था वो अब यहां तक ही था, इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है कि जिसके आधार पर हम एक तरह से पूरा हमारा अकाउंट निर्भर होता है, हमारा बैलेंस शीट निर्भर होता है, हमारा लाभ या हानि निकाला जाता है, तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर हमारा टैली भी काम करता है। ये टैली के अंदर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब चीज बनते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, इसको समझ में आना आपके लिए अनिवार्य है। लेजर भी आपके ट्रेडिंग टैली के अंदर बनते हैं,
तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से जितने भी वाउचर एंट्री करते हैं, जर्नल की भी एंट्री उसमें होते हैं, तो ये सब का सब आपके टैली के अंदर उपयोग है। तो यहां आपको जर्नल के बारे में बताना, ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे हम करते हैं उसके बारे में बताना, लेजर के बारे में बताना, ट्रायल बैलेंस के बारे में बताना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताना, बैलेंस शीट के बारे में बताना, अकाउंट के जितने भी उपयोग वाले शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसके बारे में बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको टैली में अगर इनका सामना हो तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें, इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर निर्भर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।